चाहता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप लाइट बोर्ड बनाइए, मैं मदद करूंगा। और असल में ना ये 50, ना ये 40, ना ये 30, ना ये 20,000 भी कॉस्ट नहीं करने वाला है। हां जी, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइट बोर्ड कैसे बनाएं और क्या इसकी कीमत है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं। तो सबसे पहला कारण ये कि ये जो एक खूबसूरत सी चीज है जिसे हम एक लाइट बोर्ड का नाम देते हैं, वो जब मैंने पहली बार इसका कंसेप्ट सुना था तो मुझे ये बेहद खूबसूरत सा लगा था। भाई चीज कमाल की है, एक बार मैं भी बनाना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इसके ऊपर पढ़ा सकूं। ठीक है जी, अब उसमें मुझे कुछ मुश्किलें आई, कुछ अड़चनें आई। ठीक, तो दूसरा वो कारण है जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो अड़चनें, वो मुश्किलें, वो परेशानियां जो थी वो थी इसकी कीमत। इसकी कीमत थी, ठीक है। पहला तो ये था कि भाई कैसे बनाया जाए ये लाइट बोर्ड, वो तो हो गया। अब इसकी कीमत, शुरुआत में जब मैंने पता किया भाई इसकी कीमत क्या होने वाली है, तो लोगों ने मुझे 50,000, ठीक, 50,000 वाला शायद ही कोई था, लेकिन 60, 70, 80, 90, 1 लाख तक इसकी कीमत के बारे में डिस्कशन किया गया। और जो लाइट बोर्ड का डिस्कशन आज मैं करने जा रहा हूं उसका अगर साइज में बताऊं तो वो हमारा होगा 6x4 फीट। इसकी मैं बात करने जा रहा हूं, मैं 6x4 फीट की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस पर आप बड़ी आसानी से खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक है जी, तो कीमत को लेकर जो है इस वीडियो को बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद मार्केट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें इस पर पढ़ाना है, लेकिन वो जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत जो मार्केट में बने बनाई की मिल रही है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं उन लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप लाइट बोर्ड बनाइए, मैं मदद करूंगा। और असल में ना ये 50, ना ये 40, ना ये 30, ना ये 20,000 भी कॉस्ट नहीं करने वाला है। तो एक्चुअल में कितना कॉस्ट करेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लाइट बोर्ड जो है वो कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइट बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है एक 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 ग्लास की। ठीक है जी, हर बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है ग्लास की। अब वो जो ग्लास है उसमें भी आपको जरूरत पड़ने वाली है एक्स्ट्रा क्लियर की। ठीक है, अब आपका जो ग्लास होना चाहिए वो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास होना चाहिए। ठीक है, अब किसी ने मुझे बताया कि स्टार फायर, ये फायर, वो फायर, सर कोई सी भी फायर मार्केट में 100 बार ढूंढने पर नहीं मिली कौन सी फायर। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो ग्लास का इस्तेमाल किया है वो मैंने एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का इस्तेमाल किया है, और उस कंपनी का नाम है जिसका मैंने ग्लास इस्तेमाल किया है, सेंट गोबिन। सेंट गोबिन का जो है वो मैंने ये ग्लास इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, अब सर हम जब मार्केट में जाएंगे और हम ग्लास देखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो ग्लास एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है? हमारा पर्पस उस ग्लास पर क्या सॉल्व हो पाएगा? ठीक है, जो हम खरीदने जा रहे हैं, तो आप हमें कोई ऐसी बात बताओ जिससे हम बता सकें कि वो ग्लास जो हमारे सामने है वही एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है। ठीक है, तो मैं बताता हूं, आपने क्या देखना है कि ग्लास की जो साइड्स होंगी, साइड्स कैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये जो आपका ग्लास है, अब ये इधर से, ऊपर से, साइड से, साइड व्यू से है ना, आपको कभी भी बहुत ज्यादा ब्लू ग्रीन ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, वो अगर एक्स्ट्रा क्लियर होगा तो वो एक लंबी डेप्थ लेने के बाद भी, एक अच्छी भली लंबाई लेने के बाद भी साइड से व्हाइटिश जो है वो नजर आ रहा होगा। उतना देखिए, डेप्थ होगी तो थोड़ा बहुत ग्रीन का शेड आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। यही पहचान है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास की। और अगर उस एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का आपने कोई छोटा मोटा 2x1, 1x1, 3x2 इतना छोटा अगर आपने टुकड़ा लिया है, फिर तो वो साइड से बिल्कुल व्हाइट नजर आएगा। ठीक है जी, तो यह पहचान हुई एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास की। सर अब यह बताइए कि आपने जो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास लिया वो असल में आपको कितना कॉस्ट किया? तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी साथ में जोड़ दूं, जो लगभग सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर से दूर से यह ग्लास आया है मेरे लिए, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, तो इसने जो मुझे असल में कॉस्ट किया है विद ट्रांसपोर्टेशन, ना एक रुपया बढ़ के बताऊंगा ना एक कम बताऊंगा। मैं यहां पर आपको प्रोडक्ट तो बेचने नहीं आया हूं। ठीक है जी, और ना ही मैं आपको, देखिए मेरा बाकी लोगों से भी कहना है, बताना है तो सच बताइए। ठीक है जी, तो ये मुझे कॉस्ट किया है
एग्जैक्ट फिगर दूंगा आपको रुपीज 5400, ना एक रुपया ज्यादा ना एक रुपया कम। ठीक है जी सर, ग्लास के अलावा क्या चाहिए? अब देखिए भाई, ये जो ग्लास है, इस ग्लास के लिए आपको एक ग्लास स्टैंड चाहिए। ग्लास स्टैंड कैसे बनता है और कैसे दिखता है जरा इस वीडियो में देखिए। तो ग्लास स्टैंड कुछ ऐसे दिखता है, देखिए जरा इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए। तो ये है हमारा, ये है हमारा स्टैंड, ऐसा दिखता है जी हमारा स्टैंड। ठीक है जी, तो आपने देखा कि हमारा स्टैंड कैसे दिखता है। ठीक है, अब आप इसी के साथ साथ कुछ फोटो से देखिए कि इसमें आप एलईडी कैसे लगाएंगे। देखिए, अब इस ग्लास के चारों तरफ आपको एलईडी लगानी है, तो एलईडी आप इस तरीके से लगाएंगे, टेप से आप चिपका लेंगे। ठीक है जी, ये आपने देख लिया कि एलईडी इसके चारों तरफ कैसे लगेगी। ठीक है जी, इतना देखने के बाद जरा वापस आइए, अब मेरी बात सुनिए। अब जैसे आपने स्टैंड देखा, नंबर टू पर आता है हमारा स्टैंड, तो जैसे भी आप लोगों ने स्टैंड देखा तो आपने देखा कि स्टैंड कुछ ऐसा सा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि स्टैंड कुछ ऐसा सा है। ठीक है जी, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, साइड में फोटो भी आपकी चल रही होगी। तो ये एक ऐसा स्टैंड है। ठीक है जी, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, देख के बनवा सकते हैं। ये वाली फोटो आप जो है अपने किसी भी कारपेंटर को दिखा सकते हैं। तो मुझे जो इसने कॉस्ट किया है काफी भारी भरकम सा है, क्योंकि ग्लास का वजन लगभग 50 से 70 किलो के बीच में होगा, तो उसे सस्टेन करने के लिए अच्छा भारी मजबूत लकड़ी में है। तो ये मुझे कॉस्ट क्या है, रुपीज 3100। तो फिलहाल जो अब तक टोटल कॉस्ट आ चुकी है वो आप दे चुके होंगे, 8500 आ चुकी है। इसके अलावा जो चारों साइड में आपको छोटी 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 एलईडी लगानी पड़ेंगी, एक स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, वो जो मुझे कॉस्ट की है। तीसरी बात मैं बात करता हूं। ठीक है जी, यहां पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा जो लिखा हुआ है मैं उसके एकदम पीछे ना आ जाऊं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा, छोटी छोटी जो एलईडी लगी होती है ना, छोटी छोटी साइड्स में जो लगी हुई है, ग्लास के चारों साइड जो आप लगाएंगे, ग्लास के चारों साइड में जो यहां पर ऐसे करके लगाएंगे, जिससे कि लाइट जो है वो ग्लास के अंदर जाएगी और जो आप लिखेंगे वो एकदम से ग्लो करेगा ना, उसके लिए। तो उसके लिए जो एलईडी है वो आप लोकल मार्केट से ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज वाली एलईडी की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप कितना भी साफ करने के बाद आपको आपका ग्लास गंदा नजर आएगा। ठीक है, तो आप ये जो कॉस्ट करेगी ये आपको आपके मार्केट में रुपीज 150 से लेकर 600 तक कॉस्ट कर सकती है। ठीक है, ये जब आप फिलिप्स कॉम्पैक्ट यहां पर जाएंगे, अदरवाइज लोकल मार्केट में रुपीज 150 एक अच्छी भली एलईडी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी, अब यहां पर लाइट बोर्ड के लिए हमारा ग्लास हो गया एक चीज, दूसरी चीज हमारे पास स्टैंड हो गया। ठीक है जी, तीसरी चीज हमारे पास एक एलईडी होगी। ठीक है, जो साइड्स में एलईडी स्ट्रिप लगने वाली है। अब उसके अलावा यहां पर पीछे आप देख पाएंगे ये पीछे एक ब्लैक कलर का कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको वो क्लोथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस क्लोथ की बात करूं, ठीक है, ब्लैक क्लोथ की बात करूं, तो वो जो आपको मिल जाएगा वो आपको 500 रुपए में अच्छा भला मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आप साइज जो है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको 10x6 का चाहिए, कितना चाहिए, जो भी आपका कैमरा लगा होगा उसके हिसाब से आपको पीछे क्लोथ खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी, अब स्टैंड हो गया, उसके अंदर ग्लास हो गया, साइड में एलईडी आप लोगों ने टेप से चिपका दी, पीछे आपका ब्लैक कपड़ा हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा? अब बचा इस साइड से आने वाली रोशनी, ऊपर से आने वाली रोशनी और इधर से। जरा आप वीडियो के माध्यम से देखिए, कुछ फोटोज देखिए, ये मेरे राइट साइड वाली एलईडी है, ठीक, ये मेरे ऊपर वाली एलईडी है, ठीक, ये मेरे लेफ्ट साइड में एक छोटी सी एलईडी लगी हुई है, ठीक है, और एक मैंने बड़ा एलईडी पैनल लगाया हुआ है जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और ऊपर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करके मेरे ऊपर आ रही है, इससे जो है वो ग्लो बड़ा अच्छा सा मिलता है, बड़ा शानदार सा ग्लो मिलता है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो अगर मैं लाइट की बात करूं, ओवरऑल में अगर लाइट की बात करूं, तो लाइट मुझे कॉस्ट कट जाएगी, मैं मान के चलता हूं कि ये मुझे रुपीज 2000, इससे ज्यादा ये कॉस्ट नहीं करने वाली है। ठीक है जी, और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसा स्टैंड लाएं वैसा स्टैंड, अरे सर सिंपल, देखो ना इधर फोटो में देखो, लकड़ी पे लगाया हुआ है, मैंने लकड़ी पे लगाया हुआ है। ऊपर वाली फोटो में जरा इस फोटो में देखिए, तो इस फोटो में जो ये आपको फ्रेम नजर आ रहा है ये मैंने कार्डबोर्ड से खुद बनाया है। ठीक है, तो छोटी छोटी एक्सपेंस जो है उन्हें आप रोकने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आपके सामने आ चुकी है, जरा देखते हैं, काउंट करते हैं, 5400 प्लस 3100, तो 8500 तो यहां तक हो चुका था, जरा कैलकुलेट करते हैं, मदद करिएगा, 8500 तो ये हो गया था। अब इसमें ऐड करते हैं
600 रुपीज़ ऐड, इसे 500 ऐड कर लेते हैं, 500 ऐड कर लिए एलईडी के, इन दोनों को मिला के 2500 और हो गए, ठीक है 2500 और हो गए, तो मुझे लगता है ये 11,000, ठीक है 11,000 ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 11,500 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी 11,500, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट में एक बार यहाँ लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट में यहाँ लिख देता हूँ 11,500 रुपये, एक रुपया भी, ठीक है एक रुपया भी इससे ऊपर लगने वाला नहीं है। हाँ इसमें 400-500 रुपए और आप इसे कैलकुलेट ऐड कर लीजिएगा और इसे टोटल कैलकुलेट करके 12,000 कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पर मार्कर्स, वो स्पेशल मार्कर्स हैं, वो नियोन मार्कर्स हैं, उनकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और ये नियोन मार्कर्स साइड में देख लीजिए, इसका लिंक भी मैंने दे दिया, ये 400 रुपए के हैं, ठीक है जब मैंने परचेस किए थे, अब मार्केट में क्या प्राइस है वो आप देख लीजिएगा और आप इन्हें भी खरीद सकते हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये कितना टोटल कॉस्ट करता है, ठीक है जी, इसकी कीमत जो है वो 12,000 से एक रुपया ज्यादा नहीं है। तो काफी ट्रायल्स करने के बाद, बहुत सारे ट्रायल्स करने के बाद मुझे यह समझ आया कि देखिए जब मैं ट्रायल्स कर रहा था तो कई बार मुझे लगा कि भाई जो दिख रहा है वो उतना स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, और कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर से रोशनी कम आ रही है, मैं जो है चेहरा जो है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा, शायद इधर से रोशनी कम है, उधर से रोशनी कम है, और वो सब कुछ करने के बाद, वो सब कुछ करने के बाद ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि आप वीडियो को डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो नहीं बता रहा वो आप लोगों से छिपा रहा है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो वीडियो को आप एकदम अपलोड नहीं कर सकते, आपको वीडियो एडिटिंग की थोड़ी सी नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। वो नॉलेज इसलिए क्योंकि कई बार आपको ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, कई बार कंट्रास्ट ज्यादा करना पड़ेगा, कई बार ये टोन कम करनी पड़ेगी, ये कलर टोन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्यों, जिससे कि अगर मान लीजिए कि ये लाइट थोड़ी सी तेज हो गई तो पीछे लगा कपड़ा जो ब्लैक है वो असल में थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो वो दिखेगा उस वीडियो में, लेकिन जब आप उसे एडिटिंग पर लेके जाएंगे, ब्राइटनेस को आप कम करेंगे तो वो पीछे वाली चीज अपने आप ब्लैक होती नजर आ जाएगी, आप कलर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये चीज अपने आप और चमकनी शुरू हो जाएंगी। तो यही कारण है कि आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं इस्तेमाल करता हूं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, इन सभी बातों में आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये लाइट बोर्ड कैसे आप लोगों को बनाना है, कैसे ये काम करेगा और टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो कितने आने वाली है, ठीक है। तो बच के रहिएगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और बाकी सभी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है जी, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तब तो आप जो है मुझे आसानी से कॉल करिए, मैं आपको ये तक बता सकता हूं कि कहां से आप ग्लास और कहां से आप जो है फ्रेम बनवा सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पर कैसे पढ़ाएं, लेक्चर कैसे शूट करें, कौन सा कैमरा, ठीक है, कौन से माइक का इस्तेमाल करें, ठीक है, ये बताने के अलावा कैसे आप पढ़ाते वक्त अपने क्वेश्चंस को इस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन आपको दिखेगा जो इस पर प्रोजेक्ट होगा, यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, और ये सारी बातें जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही मैं आपको एक लेक्चर भी शूट करके इस पर दिखाने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।